बरेली बारादरी थाना क्षेत्र में रात्रि के समय यश राजगुप्ता अपने दोस्त शिबू यादव के साथ पार्टी कर रहा था। इसी दौरान दोनों दोस्तों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिससे बौखलाहट में शिबू यादव ने यशराज गुप्ता को गोली मार दी। गोली लगने से यशराज गुप्ता गंभीर घायल हो गया, जिसका इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। घायल यशराज के परिजनों का कहना है कि दिवाली पर शिबू यादव एक सोने का आभूषण चोरी कर ले गया था। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और यशराज को गोली मार दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। खुशी गुप्ता, खुशी गुप्ता, अभी जो रात को सैटेलाइट पर जो गोली लगी है, वह कौन है आपके भाई? मेरा बड़ा भाई। क्या नाम है उनका? यशराज गुप्ता। किन कारणों से उनको गोली लगी है, किसने गोली मारी है बता सकते हैं? उसके दोस्त ने उसको गोली मारी है, जो उसके संग उठता बैठता था वो। मतलब कोई उन लोगों की आपस की लड़ाई थी, और जो उसका दोस्त था वो दिवाली से 2 दिन पहले मेरे घर से गोल्ड का ब्रेसलेट भी चुरा कर लेकर गया था। मेरी मासी का था वो, तो वो चुरा कर ले गया और वो मेरे घर से कूद कर गया था। मतलब घर के गेट वेट तो बंद थे रात में, वो सुबह ही 6 बजे के टाइम पर निकल गया था। तो थोड़ा शक वक हुआ तो मेरे भाई ने बोला नहीं मेरा दोस्त है, वो ऐसा नहीं करेगा ये वो। लेकिन कल जब ये लोग साथ में बैठे खा पी रहे थे, तो वहाँ पर उसने उसकी जेब में, मतलब उसने कुछ सामान निकाला अपनी जेब से, तो उसकी जेब से उसको ब्रेसलेट भी निकल दिखा। तो उसने कहा ये तो तू ब्रेसलेट है मेरे, मतलब मम्मी सही बोल रही थी कि तूने चोरी करी। तो इन लोग में आपस में बहस हुई है, क्या हुई वो मुझे नहीं पता, लेकिन भाई ने यही बताया मुझे। फिर उसने उसके वहीं पर गोली मारी। गोली मारने वाले का नाम क्या है? शिबू यादव। कहाँ का रहने वाला है? वो हेडल में, वहाँ पे कॉलोनी है, वहीं पे रहते हैं। उसकी दादी हेडल में ही जॉब करती है, सरकारी जॉब है। आपने थाना बारादरी में कोई प्रार्थना पत्र तहरीर दी है? हाँ, मेरी मम्मी गई है, मेरी मम्मी गई है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।